अस्सलाम वालेकुम जी। तो सबसे पहले हमने ले लेना है हाफ के जी चिकन और उसमें हमने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसमें 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हमने इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है मैरिनेट होने के लिए। जो है हम अपने चिकन की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया और जो हमारा मैरिनेटेड हुआ हुआ चिकन था जिसको 15 मिनट्स हो गए थे हमने उसको इसमें डाल देना है और इसको फ्राई कर लेना है। ये आप लोग चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये देखिए जी, हमने देखना है इसका कलर चेंज हो रहा है और इसे अच्छे तरीके से जो है हमने फ्राई कर लेना है। नॉन स्टिक पैन में ज़रा आसानी हो जाती है, आप नॉर्मल पैन में भी इसको ईजिली कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमारी चिकन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमने इसको जो है वो निकाल लेना है और सेम इसी पैन में ही हमने जो है इसकी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तो 2 टेबल स्पून हमने घर का बटर दिया है, इसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगी अगर आप देखना चाहते हैं घर का बटर कैसे तैयार होता है। अब इसमें हमने अनियन डाल दी है और इसको हमने जो है इतना पकाना है कि ये नरम नरम सी हो जाए, ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। हमने इसमें 1/2 kg टमाटोज ऐड कर देने हैं। टमाटर हमने उतने ही ऐड करने हैं जितना हमारा चिकन है और इसमें कोई ये कटिंग की ज़रूरत नहीं है कि साफ़ कटे हुए हों, क्योंकि सबको हमने ब्लेंड कर देना है। अब इसमें आप जो है वो 15 से 20 बादाम भी ऐड कर सकते हैं और काजू भी। मैंने बादामों के छिलके उतार लिए थे, पहले मैंने उनको पानी में डुबो के रखा, माइक्रोवेव किया, छिलके नरम हुए और मैंने उतार दिया। ये स्पाइसेस मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं, ये सब आपने ऐड कर देने हैं। 3 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, इससे जो है मिर्चें तेज़ नहीं होंगी, इससे कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। अब जो है इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून जो है विनेगर डाल रही हूँ। पहले जो है मैंने इसमें कसूरी मेथी, गरम मसाला और नमक ऐड किया था, क्योंकि नमक हम मैरिनेशन में भी ऐड कर चुके हैं इसलिए हमने इसमें 1/2 टीस्पून ही ऐड किया। अब हमने इसको इतना कुक कर लेना है कि हमारे सारे जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएं ताकि हम ब्लेंड ईजिली कर सकें। ये देखिए जी, अब हमारे टमाटर जो हैं वो नरम हो चुके हैं, अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैंने एक पैन में जो है ये मटेरियल निकाला और हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लिया। आप लोग अपने जग में भी, जो ब्लेंडर का जग होता है उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये जी देखें, अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। अब हमने उसी पैन में इसको जो है वो छन्नी की मदद से छान लेना है। ये देखिए जी, साथ साथ मैं स्पून से कर रही हूँ इसको ताकि अच्छे तरीके से जो है निकल जाए, ताकि टमाटर के जो सारे छिलके हैं, बीज हैं और जो भी कोई लम्स वगैरह हैं वो सारे निकल आएँ, क्योंकि हमें बिल्कुल ये सिल्की स्मूथ सी जो है ना इसकी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि हमारी वेलवेटी चिकन है इस वजह से। ये देखिए जी, हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो छान ली है इसकी ग्रेवी को। अब हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई की थी उसको इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी कसर जो है वो उस चिकन में रह जाएगी तो वो इसी दौरान ही कुक हो जाएगी। अब हमने जी 2 टेबल स्पून जो है वो बटर का ले लिया घर का। अगर घर का बटर नहीं है तो आप बाजार का भी ले सकते हैं। अगर सॉल्टेड बटर है तो अपने सॉल्ट ग्रेवी में कम रखिएगा। ये कसूरी मेथी को मैंने हाथों से मसल के जो है वो इसमें ऐड कर दिया, इससे ज़रा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। ये देखें जी, घर की बलाई मेरे पास पड़ी हुई थी। आपके पास घर की बलाई नहीं है तो आप बाजार की टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से और 15 मिनट में लो मीडियम हीट पे जो है इसको कुक कर लेना है, ताकि चिकन की जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो हो जाए। और जी ये हमारा जो है मज़ेदार सा बटरी वेलवेट चिकन जो है हमारा तैयार है। इसको खाएं और मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना। पहले पकाएंगे फिर खाएंगे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।